प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है कि आप अपनी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी पूरे परिश्रम के साथ कर रहे होंगे, किंतु अभी आपको ज्ञात हुआ होगा कि अधिकतर विश्वविद्यालयों ने अपनी वार्षिक परीक्षाएं बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर लिए जाने की तैयारियां की हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आप जो पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारियां कर रहे थे, अब नए पैटर्न के आधार पर इतने कम समय में तैयारी कैसे करें। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर आने वाले प्रश्न पत्रों में को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप स्मार्टली उस तैयारी को करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों को हमें हल करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। कुछ बातों की पर ध्यान रखना आवश्यक है। एक बात तो ये कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को भली भांति पढ़ लें, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और कितने प्रश्न उस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए सारे प्रश्नों को देख लें, भली भांति चेक कर लें कि क्या आपको जो प्रश्न पत्र मिला है उसमें पूरे पेज हैं। अगर नहीं है तो उसे चेंज करवा लें अपने इन्विजिलेटर से कह कर। दूसरी बात, अक्सर विद्यार्थियों में परेशानियां होती है कि क्या हम OMR शीट बाद में भरें या साथ साथ भरते चलें प्रश्नों को सॉल्व करते हुए। मेरा आपको ये सुझाव होगा कि साथ साथ ही प्रश्न इधर सॉल्व करें और उधर OMR शीट भरते चलें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाद में समय कम बचता है और आपने प्रश्न तो सॉल्व कर रखे हैं अपने प्रश्न पत्र में, लेकिन उसे OMR शीट में आपने सर्किल नहीं कर पाया। दूसरी बात, इस बार सभी विषयों में जितने प्रश्न पत्र होते थे वो सारे प्रश्न पत्र एक ही प्रश्न पत्र में बनाए जाएंगे। तो ऐसी दशा में प्रश्न ये उठेगा कि हम प्रथम प्रश्न पत्र वाले प्रश्न पहले करें या तृतीय वाले या द्वितीय वाले। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आपका तृतीय प्रश्न पत्र पहले तैयार है, अच्छे से तैयार है, तो आप उन प्रश्नों को पहले हल करें और बाद में दूसरे और प्रथम को। चूंकि सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, इसलिए किसी प्रश्नों पर, कुछ पर्टिकुलर प्रश्नों पर ज्यादा समय वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। एक बात और इसमें सबमिट करना चाहूंगा कि जब बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो विशेष ध्यान देना होगा कि उसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल अगर किया गया है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे प्रश्न ये पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या नहीं है, तो आपने जो ही पढ़ा कि भारत की राजधानी, तो आपने उसको नई दिल्ली टिक कर दिया, जबकि उसने पूछा गया क्या नहीं है। तो ये केवल मैंने उदाहरण स्वरूप आपको बताया। तो कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उसको आप ठीक से सॉल्व करें। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जल्दबाजी ना करें और अपने लिए उस समय को बचा कर रखें जब आप रिवीजन कर सकें। इसके अतिरिक्त कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा। एक बात तो ये कि मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, ये आपको चारों क्वेश्चन आ गए, लेकिन पांचवा नहीं आया, पांचवे में कुछ डाउट है, तो आप क्या करें, उसमें अपना एक विशेष सिंबल बना लें, सर्कल बना ले सकते हैं अपने प्रश्न पत्र में कि इसमें हमें डाउट है। और जो बिल्कुल नहीं आता है तो उसमें समय वेस्ट ना करें, उसको समझने में समय वेस्ट ना करें, आगे बढ़ जाएं। और जो बाद में समय बचे तो पुनः उन प्रश्नों पर आएं और जिनको सर्कल आपने किया था, जिनमें आपको डाउट था, उन पर फिर से विचार करें पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के बाद, और फिर उसके बाद OMR शीट में भर लें। यदि आप बाद में OMR शीट भरते हैं तो इसमें सीक्वेंस गड़बड़ हो जाने का बहुत संभावना रहती है। आप 3, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन आपने मान लीजिए नहीं किया है, तो आप 7 का आंसर, उसमें सीक्वेंस गड़बड़ हो सकती है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम
पुराने पैटर्न के अनुसार तैयारी कर रहे थे, लेकिन सर ये बहुविकल्पी जो प्रश्न पत्र आ गया है तो हम किस तरह से उसकी तैयारी करें? तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ डालें। बहुत सारे ऐसे मटेरियल इंटरनेट पर भी हैं और भी कई जगह हैं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वन लाइनर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चंस का बहुत फायदा होने वाला है, न केवल इतना बल्कि आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके नोट्स होंगे, जो आपकी बुक्स होंगी, बुक्स में से वन लाइनर क्वेश्चंस खुद ब खुद तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा पिछले पूछे गए प्रश्न पत्र बहुत सारे फॉर्म्स पे मिलेंगे। आपको अपने टाइम को इस तरह से प्लान करना होगा कि बाद में बचाकर 10 मिनट ऐसे रखने होंगे जिसमें आप इंटेलिजेंट तरीके से गैस वर्क भी कर सकें। अगर नकारात्मक अंक नहीं दिए जा रहे हैं तो मैं एक वीडियो इसके दूसरे पार्ट में बनाऊंगा जिसमें इंटेलिजेंटली किस तरीके से गैस वर्क किया जाए उस पर मैं बात करूंगा। बहुत धन्यवाद।